नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके सपने यूट्यूब चैनल रेल है तो देश सके एक और नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक काफी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन जिसका कि अभी काम ठंडे बस्ते में चला गया है काम ही नहीं बल्कि उसका नाम भी ठंडे बस्ते में चला गया है जी हाँ आप लोग सही समझ रहे हैं मेरा इशारा है भिंड की तरफ यानी कि वो जो रेलवे लाइन होने वाली है वो होगी भिंड से जुड़ी हुई भिंड लाहर कोंच नई रेलवे लाइन इसके बारे में कई लोगों ने मुद्दे उठाए लेकिन इसका अभी कुछ भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है सरकारों द्वारा और जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर दबे हुए हैं आइए आज हम लोग आपको यहाँ पर एक बार फिर से अवगत कराते हैं इस रेलवे लाइन के ऊपर की यहाँ पर इसकी क्या स्थिति बनी हुई है और ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रेल है तो दे के एक नए वीडियो में मैं अरुण राजावत आप सभी लोगों का एक बार यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं इस रेलवे लाइन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हम लोग आ गए हैं मैप में अब ये पूरा रेल का नक्शा खुला हुआ है कहां से कौन सी रेलवे लाइन निकल रही है ये मैं आपको यहाँ सारी जानकारियाँ यहाँ पर अभी देने वाला हूँ तो ये रहा ग्वालियर जंक्शन और ये रहा भिंड रेलवे स्टेशन और ये रहा इटावा जंक्शन अब जाहिर सी बात है कि कई लोगों का ये भी सवाल है कि भिंड को जंक्शन का दर्जा कब प्राप्त होगा तो भाई भिंड को जंक्शन का दर्जा तब प्राप्त होगा जब यहाँ से कोई एक नई रेलवे लाइन बनेगी या मिलेगी तो वो रेलवे लाइन कौन सी होगी तो वो जाहिर सी, सी बात है वो एक ही रेलवे लाइन होगी जो कि प्रस्तावित है जिसका नाम है भिंड कौच रेलवे लाइन ये रेलवे लाइन की कुल लंबाई 88 किलोमीटर की है यानी कि 88 किलोमीटर की है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा भिंड और ये रहा यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये रहा कौज ठीक है ये ऐत जंक्शन जो बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ झांसी कानपुर मार्ग पर बना हुआ ये रहा कानपुर सेंट्रल ये रहा पोखरियान और ये रहा झांसी ठीक है तो ये ऐत जंक्शन बना हुआ है यहीं से एक लाइन कट के आई है कौज तक अब यहाँ पे ये अधूरी रह गई है ठीक है अब आप लोगों को मैं बताता हूँ ये रहा भिंड तो यहाँ से देखा जाए तो भिंड से कोंच तक जो 88 किलोमीटर का जो नया रेल मार्ग है वो बनाया जाएगा इसका जो बजट है वो स्वीकृत किया गया था 1600 करोड़ रुपया का अब इस लाइन को 2010 और 2011 के तहत यहाँ पर ब्लू बुक में शामिल किया गया और हम आपको स्टेशन अगर बताएं जो उसमें प्रस्तावित जो स्टेशन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है बात करें अगर मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन तो वो है यहाँ पर चरधर उमरी लाहरौली रौन और यहाँ पर मेहोना लाहर यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वो बनाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश सीमा की बात करें तो वहाँ तीन रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें एक कौच तो यहाँ पर बना ही हुआ है और दूसरा है बामरा और तीसरा है नदी गाँव तो यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और छोटे बड़े पुल पुलिया की बात करें तो यहाँ पर तिरासी यानी कि एट्टी थ्री छोटे बड़े पुल बनाए जाएंगे और सबसे बड़ा पुल बनेगा सिंध नदी के ऊपर तो ये है इसका एक यहाँ पर ओवरव्यू इसका एक जो ढांचा है वो मैंने आपको बता दिया है तो ये आंकड़ों की बात तो बहुत हो गई है अब हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्णता के ऊपर कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो रेलवे लाइन है वो चंबल आंचल के लिए बनी हुई है और बुंदेलखंड के लिए भी तो यहाँ पर सबसे पहले ये रहा भिंड और ये रहा इटावा और ये रहा ग्वालियर अगर हम बात करें इटावा या भिंड के लिए तो यहाँ पर सिंपल अगर हम साधारण तौर पर भिंड के लिए बात करें तो अगर यहाँ के लोगों को अगर मान के चलिए कि अगर झांसी जाना हो या कानपुर जाना हो तो सबसे पहले अगर झांसी जाना हो तो ज़ाहिर सी बात है ग्वालियर आना पड़ेगा और अगर कानपुर जाना है तो इटावा जाना पड़ेगा इटावा से सीधा कानपुर का मार्ग गया हुआ है ठीक है और अगर झांसी जाना हो तो ग्वालियर जाना पड़ेगा तो ऐसे में सबसे पहले ग्वालियर और फिर यहाँ से झांसी तो ये जो रेल मार्ग है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको भिंड से सीधे कौच जोड़ेगा और ऐत जंक्शन। यहाँ से अगर गाड़ी नई स्टार्ट होती है या ये रेल मार्ग बन जाता है तो आप लोग यहाँ से झांसी भी जा सकते हैं और कानपुर भी जा सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्ग है और इसके नीचे आप लोग यहाँ पर प्रयागराज भी जा सकते हैं सतना जा सकते हैं रीवा यानी कि बुंदेलखंड जा सकते हैं या मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर आप लोग यहाँ पर एंट जो एंट्री है वो ले सकते हैं और ये जो रेलवे लाइन है इसकी दास्ता यहीं नहीं ख़त्म होती है ये जो भिंड से चलती है और कौनस तक जाती है इसके बाद जो इसका काम है वो आगे महोबा तक भी है यानी कि इसको महोबा तक भी बनाया जाएगा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रेल लाइन है यदि ये भिंड और एत जंक्शन और महोबा जंक्शन मिल जाती है तो ये सबसे ज़्यादा कारगर होने वाली है क्योंकि यहाँ से भी झांसी जा सकता है और यहाँ से आप लोग बांदा जा सकते हैं प्रयागराज जा सकते हैं माणिकपुर सतना जा सकते हैं जबलपुर तक जो अन्य मार्ग जो नीचे खुल जाते हैं मध्य भारत को जाने के लिए वो सारे जो मार्ग हैं जो विकल्प हैं वो यहाँ से इस रेलवे लाइन के जो उपयोग से वो सारे खुल जाते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रेलवे जो रेलवे लाइन है वो होने वाली है फिलहाल जो इसका सर्वे हुआ है वो काफ़ी लंबे समय पहले हो गया था नौ दस साल पहले अब इसकी जो रिपोर्टिंग है इसकी जो फाइल है वो अभी ठंडे बस्ते में चली गई है रेलवे का कहना है कि इसको बनाने में जो उनका रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है ये लाइन फ़ायदे की नहीं होगी लेकिन अगर एक दौर तो पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदे की लाइन है आप लोग नक्शे से देख के खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में नक्शे के द्वारा समझाया गया आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से बताना आगे अगर इस रेलवे लाइन की कोई भी नई अपडेट आती है हम आपको जरूर से बताते हैं अपने चैनल पर मिलते हैं और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम